अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली रज़ा। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एज अ यूनिट हेड काम करता हूँ। मेरी स्पेशलिटीज़ में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियाँ आती हैं। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म में खून की नालियों में फिशार या प्रेशर बढ़ जाता है और इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा या ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचता है। इन अज़ाओं में दिमाग है, दिल है, आपकी आँख का पर्दा है और किडनी और आपके पैरों की नालियाँ, ब्लड वेसल्स जो हैं, ये सब इफ़ेक्ट होती हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग इस वक्त ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं और माहिरीन का ये कहना है कि 2025 की साल तक तकरीबन 1.5 अरब लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला होंगे। पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर की जो मरीज़ हैं उनकी तादाद के बारे में एग्जैक्ट डेटा नंबर्स में तो नहीं, लेकिन फ़ीसद या परसेंटेज के लिहाज से कुछ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग में तकरीबन 33% लोग जो हैं उनमें ब्लड प्रेशर पाया गया। कुछ और सर्वेज़ भी हुए जिनमें देखा गया कि पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर की तादाद एडल्ट्स में तकरीबन 26% है, जो कि बहुत अलार्मिंग हद तक ज़्यादा है। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर भी जो बीमारी है उसकी कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मसला किसी भी शख्स को हो सकता है। उसमें एक फैक्टर है नमक का इस्तेमाल। हमने देखा है कि एशियाई ममालिक में और इवन जनरली दुनिया में जायके के साथ लोगों ने नमक का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, कहने को तो जायके में बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी ज़्यादती या रेगुलर इस्तेमाल इसको जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करता है। और नमक की खासियत यह है कि जब नमक जिस्म में बढ़ता है तो अपने साथ पानी को भी जिस्म में जमा करता है। और ये वजह है कि जो लोग डाइट में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता नमक और पानी की मकदार बढ़ती जाती है। ये एक रीज़न, एक थ्योरी है कि जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। दूसरे फैक्टर्स में जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी जो लोग वर्जिश नहीं करते और नेचुरली फिर उससे कनेक्टेड उनका वज़न होता है, और जब उनका वज़न बढ़ता है तो हमने देखा है कि उनकी खून की नालियों में एक ख़ास किस्म की टोन आती है और उनकी नालियाँ और टाइट हो जाती हैं। उसमें एक और थर्ड फैक्टर कोलेस्ट्रॉल है। आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल इन खून की नालियों में जमता जाता है और वही लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बैठना पसंद करते हैं, जो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, तो उन लोगों में उनकी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, उनकी खून की नालियों की टोन का मज़ीद टाइट होना, और जैसे मैंने पहले कहा कि नमक की मकदार का बढ़ना, ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ब्लड प्रेशर की बीमारी को कॉज करने में। एक और फैक्टर, अक्सर लोग कहते हैं कि जी स्ट्रेस जो है वो भी एक फैक्टर है ब्लड प्रेशर कॉज करने में, तो नो डाउट स्ट्रेस जो, जैसे मेंटल स्ट्रेस जो है वो आपके कुछ इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं उनको बढ़ा देता है। तो अगर कोई शख्स कॉन्स्टेंट मेंटल स्ट्रेस में रहता है तो नो डाउट उसको भी, उसके भी ब्लड प्रेशर में एक इजाफा देखने में मिलता है। तो ये अवामिल, यानी नमक की ज़्यादती, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वज़न का ज़्यादा होना, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर कॉज करने में। एक और फैक्टर जो हमारे माशरे में बहुत आम होता जा रहा है वो है सिगरेट। स्मोकिंग जो है उसने, उसकी वजह से भी खून की नालियों की जो टोन है वो और टाइट हो जाती है, और तो फिर ये तमाम अवामिल मिल के जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर जो कि एक बड़ी आम बीमारी होती जा रही है दुनिया में, उसकी कैफियत कोई बहुत ख़ास नहीं होती। बड़ा मशहूर नाम इसका आप फिजिशन से या जो लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, खामोश खाती, यानी इसकी कोई कैफियत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अक्सर मरीज़ जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, उन्हें खबर ही नहीं होती कि उन्हें क्या पेचीदगी है। जो कैफियत हो भी नहीं होती हैं, अगर कुछ हो तो वो इग्नोर करते हैं, जैसे सर का भारी होना, आँखों में धुंधलाहट का आना, चक्राहट का एक फैक्टर जैसे कि पीछे की तरफ गिरना, कमज़ोरी, थकावट का एहसास होना, ये सारी चीज़ें भी ब्लड प्रेशर में ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता और वो अगर रूटीन चेकअप के लिए आते हैं तो अचानक पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि जो लोग इमरजेंसी में हार्ट अटैक या फालिज के साथ आ रहे होते हैं तो वो पहली बार उन्हें वो बीमारी होती है और उसी वक्त पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए
जो लोग भी जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, जिनका वज़न ज़्यादा है, ख़ासतौर पर मर्द हज़रात, या जो लोग सिगरेट पीते हैं, वर्जिश के आदी नहीं हैं, उन्हें बग़ैर कैफियत के भी अपने आप को फिजिशियन से रिव्यू करवाना चाहिए रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं वो लेवल जहां पर हम ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करते हैं। पूरी दुनिया में दो अथॉरिटीज़ हैं जो ब्लड प्रेशर के लेवल को डिफाइन करती हैं। एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है जो कि हमें ये बताती है कि हर वो ब्लड प्रेशर जो 130/85 से ऊपर है वो एबनॉर्मल है और उसको ट्रीट करना चाहिए। जबकि जो यूरोपियन गाइडलाइंस हैं वो इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं कि 140/90 यानी आपके ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 140 से ज़्यादा हो और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 90 से ज़्यादा हो तो फिर दवाई शुरू की जाए। यूरोपियंस ये भी कहते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80-85 से ऊपर है तो उन्हें भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, बशर्त कि वो किसी पेचीदा बीमारी में मुब्तला हो, जैसे कि उन्हें ऑलरेडी दिल की बीमारी हो या उन्हें स्ट्रोक हुआ हुआ हो या उनकी किडनी में फेलियर हो। उस सूरत में भी हम कम दर्जे पर भी यानी मुकाबलतन कम दर्जे पर भी दवाई शुरू कर सकते हैं। आप जब अपने डॉक्टर से रुजू करें तो ये डिपेंड करेगा कि आपका डॉक्टर किस रुझान का मालिक है और वो कौन से लेवल पे ब्लड प्रेशर स्टार्ट की दवा स्टार्ट करता है। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ब्लड प्रेशर जो 130/80 से ऊपर है उसको आपने एबनॉर्मल लेना है। ट्रीटमेंट का फैसला आप और आपका डॉक्टर मिलकर कर सकते हैं। वो लोग जिनके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, किडनी फेलियर है, बीनाई के मसाइल हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, उन्हें तो 130/80 या 85 पर भी हमें ट्रीटमेंट शुरू करने का मशवरा देना पड़ता है। अदरवाइज़ जो ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग ना हो दिल की या फालिज की बीमारी में, उन लोगों को हम 140/90 के बाद भी ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसको हमने खामोश कातिल या साइलेंट किलर का नाम भी दिया, उस बीमारी की जो पेचीदगियाँ हैं वो बड़ी सीरियस हैं। यानी अगर आप डेटा उठाएं 2018 का यूरोपियन गाइडलाइंस का, जो कि पूरी दुनिया की प्रेवलेंस पे भी बात करती हैं, तो पता चलता है कि 1 अरब लोग यानी 1 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। अगर आप इस में से ये देखें कि सालाना कितने लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं, तो डेटा ये कहता है कि तकरीबन 1 करोड़ लोग दुनिया में सालाना इस बीमारी से हलाक हो जाते हैं। 1 करोड़ लोगों में तकरीबन 70 लाख लोग जो हैं उन्हें एक लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट अटैक होता है, और जो 30 लाख लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली उन्हें जानलेवा फालिज या स्ट्रोक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीमारी का इम्पैक्ट क्या है, यानी ये ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है आपकी इन दो वजूहात की वजह से। तो सबसे बड़ी ये दो पेचीदगियाँ जो ब्लड प्रेशर की हैं वो हार्ट अटैक और फालिज। वो मरीज़ जो इन दोनों से तो बच जाते हैं लेकिन उनका बीपी हाई रहता है, वो स्टिल और पेचीदगियों में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे कि आँख के पर्दे का हट जाना, रेटिनल डिटैचमेंट। ये एक बड़ी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आँख का पर्दा अपनी जगह छोड़ देता है और लोगों को ग्रेजुअल या अचानक से बीनाई ख़त्म होने का खदशा होता है। एक और पेचीदगी जो ब्लड प्रेशर करता है वो ये कि गुर्दे में यानी किडनी में प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो किडनी का फंक्शनिंग यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। उनके डैमेज होने की वजह से जो एक इब्तदाई निशानी हमें यूरिन में मिलती है किडनी पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर से मुब्तला है, वो ये कि उनकी यूरिन में एक माइक्रो लेवल पे प्रोटीन आने लगता है, और वो इस बात की निशानी है कि किडनी का फिल्ट्रेशन ख़राब हो रहा है। अगर ये प्रोटीन आता ही रहे तो आहिस्ता आहिस्ता किडनी डैमेज होती जाती है और कुछ ही सालों में ये मरीज़ डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो है इन पेचीदगियों से बचने के लिए, जिसमें फालिज, हार्ट अटैक, बीनाई और किडनी का ख़राब होना, इन सब से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को बहुत ही अच्छा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक और पेचीदगी जो ब्लड प्रेशर वालों में हो सकती है वो पैरों की नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना तेज़ी के साथ, और जब ये मरीज़ चलते हैं तो फिर इन मरीज़ों के पैरों में दर्द या तकलीफ़ का एहसास होता है। इस चीज़ को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी कहते हैं और इसका ताल्लुक भी ब्लड प्रेशर से जोड़ा जाता है। अगेन, ब्लड प्रेशर के इलाज जब तरीके से किया जाता है तो आप इन पेचीदगियों से बच भी सकते हैं और बहुत सारे डैमेजेस को हम किसी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। एक और पेचीदगी जो जानलेवा तो नहीं होती लेकिन ब्लड प्रेशर मरीजों में मिलती है, वो ये कि इन मरीजों में लैक्यूनर इन्फार्क्ट यानी बहुत छोटे छोटे फालिज के अटैक होते हैं, और उस अटैक की वजह से ये मरीज़
अपने दिमाग की क्वालिटी खो देते हैं और इवेंचुअली ये लोग डिमेंशिया यानी दिमाग की कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, भूलना शुरू हो जाते हैं, समझ बूझ कम होना शुरू हो जाती है। इस बीमारी को बाज़ुकात मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया भी कहा जाता है और ये बीमारी का ताल्लुक भी ब्लड प्रेशर से है। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचने के लिए या वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है और उसको कंट्रोल करने के लिए ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकते हैं, इस बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको नमक के इस्तेमाल में कमी लानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे नमक, हम कहते हैं कि एक ब्लड प्रेशर का मरीज 3 ग्राम से ज़्यादा नमक एक दिन में ना ले, तो एक चाय का चम्मच बराबर नमक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्राम के करीब बनता है और नमक की ये तादाद एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए एक दिन के लिए काफ़ी है। तो जब भी आप खाना बना रहे हो तो जो ख़वातीन खाना बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं उन्हें आप समझाएं कि अफराद के लिहाज से नमक की मकदार, इसको एक चाय के चम्मच जो है नमक जो है उससे ऊपर ना जाने दें एक आदमी के लिए। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो इस चाय के चम्मच को अगर आधा कर सकें तो ये उनके लिए बेहतरीन बात होगी। दूसरी बात, स्मोकिंग, सिगरेट। हमारे माशरे में देखा एक ट्रेंड के अब यंग लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना शुरू हुए और कुछ सिगरेट के अलावा भी वेपिंग और बहुत सारी और ई सिगरेट्स आना शुरू हो गई जो कि सब की सब ब्लड प्रेशर के साथ जुड़ी हैं और इस टेंडेंसी को हमें जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की ज़रूरत है। तो स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए हमें प्रॉपर कैंपेन्स चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, ताकि लोग ब्लड प्रेशर की हैबिट छोड़ें। आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर होते हुए सिगरेट पी रहे होते हैं, तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है क्योंकि इससे बीमारी में बढ़ावा आता है। एक और बात जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं वो है कि वर्जिश की यानी आदत। देखा यह गया है कि वो लोग जो रोज़ाना 30 मिनट वर्जिश करते हैं जिसमें कि मुख्तलिफ अंदाज़ की वर्जिश शामिल हो, जैसे कि तेज़ चलना या जॉगिंग और उसमें वज़न उठाना, हल्का फुल्का वज़न, साथ साथ ऐसी यानी वर्जिश जिसमें दिल की रफ्तार जो है वो तकरीबन अपने बेसलाइन से 20-30% बढ़ जाए, ये सारी वर्जिशें और बमा एरोबिक्स यानी जॉइंट्स के लिहाज से, मसल्स के लिहाज से स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं इनके साथ देखा गया है कि अगर जो लोग करते हैं तो उनका नेचुरली जो है वो ब्लड प्रेशर कुछ ख़ास लेवल से कम होना शुरू हो जाता है। तो ये वो हेल्दी लाइफ हैबिट्स हैं जो आप अपना सकते हैं। प्लस बहुत से पके पकाए प्रोडक्ट्स होते हैं जो आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों को घर में कुछ फ्राइड आइटम्स दिलवा देते हैं, तो बच्चे को अगर बर्गर खाना है तो वो भी घर में खा रहा है और अगर उसे जो भी फ्राइड चीज़ चाहिए वो घर में अवेलेबल है, तो बचपन से हम वो हैबिट्स उनमें इनकलकेट कर रहे हैं और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इन ग़िज़ाई बदहतियातों की वजह से देखने में ये आ रहा है कि अब 25-30-35 साल के लोग भी ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं क्योंकि लोग अब शुरू से ही मोटापे का शिकार होने लगते हैं इन बदहतियाती और ख़राब डाइट्स की वजह से। तो ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है और इसके लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक कल्चर है प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खाने का, ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। ग़िज़ाई एहतियात के लिहाज से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं वो ये कि सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल, रॉ सैलड का इस्तेमाल और ख़ास तौर पे लीन मीट जैसे चिकन और मछली का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा हेल्दी है बनिस्बत रेड मीट के, इस चीज़ का ध्यान करें। और उसके अलावा ये कि फ्रूट्स जो हैं उनका रेगुलर यूजेज भी जो है वो काफ़ी हेल्दी होता है मरीज़ों के लिए जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मुर्गन ग़िज़ाएँ और रेड मीट जो है इनसे भी जितना इज्तनाब कर सकें करें और हेल्दी वेजिटेबल्स और हेल्दी फ्रूट्स की तरफ जो है वो रुझान करें और उनको अपने खाने का ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर की कई दवाएं अवेलेबल हैं और अगेन दुनिया में जो दो सोसाइटीज़ हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, दोनों ही कहते हैं कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और टाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जब दवा शुरू करें, और ये मैं अपने साथी फिजिशियंस और जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब भी दवा शुरू करें तो आप कोशिश करें कि आप एक टैबलेट
लेकिन दो दवाओं के साथ स्टार्ट लें, यानी आपकी एक ही दवा में दो, आपकी एक ही टैबलेट में दो दवाएं होंगी। ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिंगल ड्रग से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और ज़्यादातर गाइडलाइंस अब इस बात को फेवर करती हैं कि आप सिंगल पिल टू ड्रग स्ट्रैटेजी को अपनाएं। वो मरीज जिनका दो ड्रग्स के ऊपर भी, यानी पिल एक हो लेकिन दवाएं दो हों, उनके ऊपर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो शदीद ज़रूरत है कि उनको तीसरी दवाई उनके रेजिमेन में ऐड की जाए डॉक्टर के मशवरे के साथ। इस दवाई का जो ग्रुप का नाम है उसे डायुरेटिक कहते हैं, और अगर इसे डाला जाए और इसके बावजूद किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो ऐसे मरीज को लेबल किया जाता है कि उसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, और ऐसे मरीजों को हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए ताकि वो ये चेक करे कि इन मरीजों को एसेंशियल हाइपरटेंशन है, यानी वो ब्लड प्रेशर जो आमतौर पर 40 साल 45 साल की उम्र में हो जाता है उन्हीं अवामिल की वजह से जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, या कि इन मरीजों में जिन्हें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है कोई गदूद का मसला है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो हर वो मरीज जिसका तीन दवाओं के बावजूद भी, खासतौर पर जिनमें से एक दवा डायुरेटिक हो, अगर कंट्रोल नहीं आ रहा तो ऐसे मरीजों को रिव्यू करना चाहिए कि इन मरीजों में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर ना हो। अगर नहीं है तो फिर इन्हें हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट के पास रुजू करना चाहिए ताकि वो उन्हें उसी अंदाज से दवाएं दें, क्योंकि ये पेचीदा और ख़तरनाक मरीज़ हैं और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इनकी जान को ख़तरा होता है। इन मरीज़ों में दवाएं बढ़ानी पड़ती हैं और कभी कभी में 4 या 5 दवाओं तक भी जाना पड़ता है। याद रहे कि कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल के लेवल्स के बारे में अगर बात की जाए तो हर वो शख्स जिसे ब्लड प्रेशर है उसका बीपी हमें कोशिश करनी चाहिए कि 120/80 यानी 120/80 हो। सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनमें एक ये एक्सेप्शन है कि उनके ब्लड प्रेशर को हम 130/80 भी रख सकते हैं, क्योंकि उससे मज़ीद नीचे ले जाने में बाज़ोकात देखा गया है कि ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा अगर कम किया जाए शुगर के मरीज़ों में, यानी 130 से 120 या 110 तक लेके जाया जाए तो बाज़ोकात कुछ पेचीदगियाँ देखने में आती हैं जिनमें चकरा के गिरना और ये वाले मसाइल हैं, लेकिन ये सिर्फ डायबिटिक्स में है। बाकी तमाम मरीज जिन्हें खासतौर पे शुगर नहीं हो, जिन्हें पेचीदगियाँ हैं जैसे हार्ट डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक हो चुका है, किडनी डैमेज है, उन सब में आपको ब्लड प्रेशर की जो लेवल है वो 120/80 का टारगेट करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ब्लड प्रेशर की दवाई आपने डेली खानी है। अगर आप आज दवा खाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर पूरे 24 घंटे कंट्रोल में रहेगा और अगले दिन भी आपको लेवल अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप दवा नहीं लेते तो उसके अगले 24 घंटे में बीपी बढ़ जाएगा। अक्सर मेरे पास मरीज़ आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे डॉक्टर ने, जो करीबी डॉक्टर्स ने कहा कि जब बढ़े तो आप दवा ले लें। ये एक इंतहाई ख़तरनाक पॉलिसी है और बिल्कुल गलत रुझान है। आपने ब्लड प्रेशर की दवा रोज़ाना लेनी। ये बात ज़रूर होती है कि इस पर डिबेट है कि क्या ऐसी दवाएं बनाई जा सकती हैं जिनका दौरानिया ज़्यादा हो और हफ्ते में एक बार दवा लेनी लगे पड़े या 2-3 दिन में एक बार लेनी पड़े। इस पर बहुत काम हो रहा है या इस पर भी थॉट है, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसे तक काम करने वाली दवाओं का एक नुकसान भी होता है कि अगर आपने दवा ले ली और उस दौरान आपको कोई पेचीदगी होती है, जैसे कि डायरिया होता है, कोई ब्लीडिंग हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर की दवा का असर रहता है और आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए डेली दवा लेने की पॉलिसी अभी सबसे सेफ है। कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको आप एक ही पिल दें और एक ही टाइम पे दें, क्योंकि जब मल्टीपल दवाएं होती हैं तो मरीज़ जो है वो दवाएं भूलता भी है और मुस्तकिल मिजाजी से ले भी नहीं पाता। तो एक बार दोहराता चलूं कि अपने ब्लड प्रेशर को जो नॉन डायबिटिक्स हाइपरटेंसिव हैं उन्हें 120/80 रखना है और जो डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं उन्हें 130/80 रखना है। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर एक अब काफ़ी पुरानी बीमारी हो चुकी है और बुरी तरह फैल भी रही है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें जिद्दत आ रही है डायग्नोसिस में भी और मैनेजमेंट में भी। अब देखा ये गया है कि एक तरीका आया है जिसमें हम मरीज़ को एक मशीन पहनाते हैं जो कि 24 घंटे बीपी लेती है। ये मशीन ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में अवेलेबल है और आप हमारी काउंटर से रुजू कर सकते हैं थ्रू अ स्पेशलिस्ट कि ये मशीन आपको ज़रूरत है इसकी या नहीं। इसे इंग्लिश में 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कहते हैं। इस डिवाइस की इजाद के बाद पता ये चला कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनका दवा लेने पर भी पूरे दिन का बीपी अच्छा रहता है, लेकिन इन्हें रात के वक्त ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है। उनकी कई किस्में हैं और इसी तरह ब्लड प्रेशर को 24 घंटे के बीपी के लिहाज से डिवाइड किया गया है, डे टाइम हाइपरटेंशन यानी वो लोग जिनका दिन के वक्त ही ज़्यादा बीपी बढ़ा रहता है,
और नाइट टाइम हाइपरटेंशन, यानी वो लोग जिनका रात के वक्त बीपी अलग से बढ़ता है। जिन लोगों का रात के वक्त बीपी अलग से बढ़ता है उन्हें हम अपनी इस्तेलाह में अक्सर नाइट टाइम हाइपरटेंसिव या नॉन डिपर्स का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये वो मरीज़ हैं। नेचुरली एक आम आदमी का बीपी 20% नीचे जाता है रात के वक्त, लेकिन 24 घंटे की मशीन ये बताती है कि इन मरीजों में बीपी नीचे नहीं जाता बल्कि कुछ में तो बढ़ता है, यानी वो राइजर्स कहलाते हैं। तो ये जो 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग है, इसके ज़रिए आप अपने मरीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इन्हें क्या बीमारी है, यानी इनका ब्लड प्रेशर का फीनोटाइप क्या है, किस अंदाज का ब्लड प्रेशर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मरीज़ा थी जिसे बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया गया, बहुत अच्छा उसका कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ भी कंट्रोल किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसे स्ट्रोक हुआ। तो उसके फिजिशियन ने इस बात पर परेशानी जाहिर की कि आखिर क्या वजह थी जो इसको फालिज का अटैक हुआ। तो जब उसका 24 घंटे का बीपी देखा गया तो पता चला कि उसे एक कंडीशन थी जिसका नाम है अर्ली मॉर्निंग सर्ज, यानी सुबह 6 बजे से उस खातून का बीपी बढ़ता था और 12 बजे दोपहर तक बढ़ा रहता था। इस सर्ज को उसकी दवाई कवर नहीं कर रही थी, और जब कई मरीजों को चेकअप किया गया तो कई ऐसे मरीज थे जिनमें ये अर्ली मॉर्निंग सर्ज था, और जब उन मरीजों को देखा गया कि जिन्हें अर्ली मॉर्निंग सर्ज है और जिन्हें दवा दी गई और जिन्हें नहीं दी गई, तो यही नज़र आया कि जिन्हें दवा दी गई और अर्ली मॉर्निंग सर्ज जिन्हें था उनमें स्ट्रोक की तादाद वाज़े तौर पर कम हुई। या वो मरीज़ जिनका रात को बीपी बढ़ता है उन्हें लॉन्ग एक्टिंग दवाएं दी गई, यानी जो पूरे दिन असर करती हों, या अलग से उन्हें रात के वक्त दवा दी गई तो उनका रात के बीपी को जब कंट्रोल किया गया तो ना सिर्फ उनमें फालिज कम हुआ बल्कि हार्ट अटैक के मसाइल भी कम हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन या जिद्दत है ब्लड प्रेशर की दुनिया में कि 24 घंटे का बीपी आपको बीमारी के बारे में बहुत कुछ बताता है, और वो डॉक्टर को गाइड करता है कि आप अपनी मेडिकेशंस की टाइमिंग क्या रखें और उसको स्प्लिट करें या ना करें। नाज़रीन, ये दो इस्तिलाह हैं, एक वाइट कोट हाइपरटेंशन, जैसे डॉक्टर्स अगर वाइट कोट में होते हैं या हॉस्पिटल आने के बाद अगर कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लेकिन जब उनका घर पे बीपी लिया जाता है तो वो ठीक होते हैं, ये मरीज़ वाइट कोट इफेक्ट के कहलाते हैं और इनमें से ज़्यादातर को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये वो मरीज़ हों, अगेन, जिनमें हार्ट डिजीज़ है, जिनमें किडनी फेलियर है या स्ट्रोक हो चुका है, एंजाइना है, तो ऐसे मरीज़ों में वाइट कोट को भी बाज़ोका ट्रीट करना पड़ता है। इसी का एक डिफरेंट एंगल है मास्ट हाइपरटेंशन, यानी वो मरीज़ जो जब हॉस्पिटल आते हैं तो उनका बीपी अच्छा आता है, टोन डाउन हो जाते हैं, लेकिन जब वो घर या क्लिनिक अपने ऑफिस में होते हैं तो वहाँ उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा आता है। मास्ट हाइपरटेंशन एक मुश्किल चीज़ है और अक्सर मरीज़ ये इग्नोर होते हैं क्योंकि क्लिनिक में आपको लगता है कि उस मरीज़ का बीपी ठीक है। तो जिन मरीज़ों पे आपको शक है कि उनका बीपी घर पे बढ़ा हुआ है तो उनका भी आप 24 आवर बीपी मॉनिटरिंग करा सकते हैं या होम बीपी मॉनिटरिंग भी करा सकते हैं, और उससे आपको ये पता चल सकता है कि इन मरीज़ों का घर पे बीपी बढ़ा है कि नहीं। मास्ट हाइपरटेंशन के तमाम मरीज़ों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपने उनको ट्रीट नहीं किया तो वो किसी पेचीदगी का शिकार होंगे। नाज़रीन, अक्सर मरीज़ मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम ब्लड प्रेशर घर पे किस तरह चेक करें। तो एक ज़माना था जब हम मैनुअल मशीन यूज़ करते थे, मरकरी जिसमें होता था, और नो डाउट वो मशीन आज भी अच्छी है लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए जो लेने वाला डॉक्टर या नर्स है उसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और मशीन की क्वालिटी को भी बहुत अच्छा मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन अगेन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, कई लोग स्टेप्स भूलते हैं और गलतियाँ करते हैं। इसी लिहाज से जब देखा गया दुनिया में कि घर पे डिजिटल मशीन्स जब इंट्रोड्यूस की गई तो डिजिटल मशीन्स ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिए। डिजिटल मशीन्स में ये एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो बाजू पे कफ बनता है वही मशीन वैलिड है, रिस्ट वाली मशीन का कोई रोल नहीं है ब्लड प्रेशर लेने में। जो बाजू वाली ब्लड प्रेशर की डिजिटल मशीन है उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, और इवन अगर आप मैनुअल से भी ले रहे हैं, कि मरीज ने आधे घंटे के अंदर चाय ना पी हो, सिगरेट ना पी हो, खाना ना खाया हो, कोई वर्जिश ना की हो, किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, कमरे में खामोशी होनी चाहिए, और पेशेंट को का मसाना खाली हो, उसे यूरिन या स्टूल ना आ रहा हो, वो किसी किस्म की बेचैनी में ना हो, कोई चोट लगी है, सर दर्द है शदीद, ऐसी सूरत में बीपी ना लें। 3 मिनट खामोश बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, और अपने हाथ को डाइनिंग टेबल के लेवल पे या स्टडी टेबल के लेवल पे रखना है और फिर मशीन को बांधकर बीपी लेना है। बीपी शुरू में अगर आप नए पेशेंट हैं या अगर आपको नहीं पता था तो पहले दोनों हाथों में लें,
और जिस हाथ में बीपी मुकाबलतन ज़्यादा आता है उस हाथ को आप पिक कर लें और उसी हाथ में बीपी लिया करें। बीपी आप रोज़ाना एक ही बार लें, लेकिन बीपी लेने की टाइमिंग्स को चेंज करें, यानी कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम और कभी रात, ताकि आपको 24 घंटे के कंट्रोल के बारे में पता चले। डिजिटल मशीन्स के बारे में जो ये खबर फैली हुई है कि ये ठीक नहीं होती है, इनमें मसला होता है, ये बिल्कुल गलत है। डिजिटल मशीन्स के इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप उसके रूल्स फॉलो करें, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है खामोश कमरा और मरीज का पोस्चर। अगर शोर है, मोबाइल खुला है, टीवी की आवाज़ है, तो फिर वो मशीन प्रॉब्लम कर सकती है, अदरवाइज उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर के इलाज में एक और टेक होम मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर की जो मरीज़ हैं उन्हें अपनी ब्लड प्रेशर की दवा बाकायदगी से खानी है रोज़ाना, और अपने ब्लड प्रेशर को घर पे चेक करना है। कैफियत का इंतज़ार ना करें कि कैफियत होगी तो मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करूँगा। दूसरी एक बड़ी अहम बात यह है कि अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीजों को कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है और अक्सर उन्हें साथ में डायबिटीज़ होती है। जो लोग डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे लेकिन उन्हें ब्लड प्रेशर भी है साथ में, भले ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो फिर उन्हें डायबिटीज़ की वजह से स्टिल हार्ट अटैक और पैनिक हो सकता है। उसी तरह अगर आपने डायबिटीज़ भी कंट्रोल की हुई है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं किया हुआ, तो कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से भी अगेन ब्लड हार्ट अटैक और फालिज का खतरा अपनी जगह मौजूद है। तो जब आप ब्लड प्रेशर की बीमारी की बात करें तो आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज रखना है जहन में कि आपने बीपी कंट्रोल करना है, अगर शुगर है तो उसको भी बेहतरीन कंट्रोल करना है, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा डॉक्टर के मशवरे के साथ हर हाल में लेनी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, जो कि मैंने आपको पिछली सवालों में जवाब दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आप अपने ट्रीटमेंट के लिए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से रुजू कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।